अस्सलामुअलैकुम। तंदूरी चिकन फ्राई किसको पसंद नहीं होता। आज हम घर के सिंपल मसाले यूज़ करके बहुत ही आसानी से तंदूरी चिकन फ्राई की रेसिपी वो भी पैन के ऊपर बनाएंगे, बिना अवन और बिना तंदूर के। मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए और जो भी टिप्स मैंने शेयर किए हैं सभी फॉलो करिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तंदूरी चिकन फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन के दो बड़े साइज पीसेस। देखिए इस तरह से पीसेस काट लें और इसमें गैशेस डाल लें, यानी इस तरह से कट कर लें। देखिए इस तरह से डीप कट्स कर लें ताकि मसाले अंदर तक अच्छे से जा सकें। अगर आपके पास इस तरह से बड़े साइज पीसेस चिकन के ना हो तो आप थोड़े से छोटे साइज यानी मीडियम साइज पीसेस में भी तंदूरी चिकन बना सकते हैं। यही मेथड फॉलो करें। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तंदूरी चिकन फ्राई में दो बार मैरिनेट किया जाता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट मैरिनेट कैसे बनाते हैं, यानी क्या डालते हैं। इसमें डालिए आधे नींबू का जूस, एक टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और एक टीस्पून भर के नमक। इन सभी को चिकन के ऊपर अच्छे से लगा दें। देखिए इस तरह से इस गैशेस में भी डाल दें। ये जो कट्स है इसमें भी मसाले डालते जाइए, पीछे साइड भी इस तरह से इन कट्स में मसाले डाल दें, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, ये सभी। इस तरह से करने से नमक और जो लेमन जूस है वो अंदर तक अच्छे से एंटर होता है चिकन के, और अंदर से भी चिकन बहुत टेस्टी बनेगा। ये तो हो चुका है पहला मैरिनेशन, इसे हम साइड में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तब तक हम दूसरे मैरिनेशन की तैयारी शुरू कर लेते हैं। दूसरे मैरिनेशन के लिए एक बाउल ले लें और इसमें डालिए हंकर्ड, 4 से 5 टेबलस्पून भर के दही ले लें और उसमें जो पानी है वो कंप्लीटली निकाल दें, हंकर्ड तैयार हो जाएगा। इसमें डालिए 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा तंदूरी चिकन में। ये ना हो तो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी, 2 टीस्पून तेल, फिर से थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें यानी नींबू का जूस, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक हमने ऑलरेडी डाला है पहले मैरिनेशन में, और चाट मसाला में भी नमक होता है। अगर आपके पास तंदूरी मसाला पाउडर है तो 1 टीस्पून डालिए, अगर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसी इंग्रेडिएंट्स के साथ तंदूरी चिकन बहुत ही ज्यादा मजेदार बनेगा। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये मसाला तो मिक्स होके रेडी है, 1/2 घंटा हो चुका है। ये मसाला हम चिकन के ऊपर लगा देते हैं और ये चिकन का वेट 1/2 किलो होगा यानी 500 ग्राम। देखिए इस तरह से एक कट्स ओपन करके इसके अंदर तक लगा दें मसाला। इसे टर्न करके भी लगाएं। सभी मसाले चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। इसे कम से कम 5 से 6 घंटों के लिए मैरिनेट करिए। हो सके तो आप पूरी रात भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं। चिकन को रेफ्रिजरेटर में रख दें। जितनी ज्यादा देर आप इसे मैरिनेट करेंगे चिकन उतना ही ज्यादा टेस्टी बनेगा, इसीलिए मैरिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ज्यादा वक्त के लिए।
अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटे के लिए तो करिए मैरिनेशन। चिकन तो हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, तो चलिए इसे अब रोस्ट करने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। इसके लिए हम एक बड़ा सा पैन ले लेते हैं और इसमें डालिए तेल 3 से 4 टेबलस्पून भर के। हाई फ्लेम पे तेल अच्छे से गरम कर लें। थोड़ा सा बटर मेल्ट करके इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर दें। इसे हम चिकन के ऊपर अप्लाई करते रहेंगे फ्राई करते वक्त, ये ऑप्शनल है। इस तरह से करने से बहुत अच्छा कलर आएगा और टेस्ट भी। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, चिकन का पीस इसमें रख दें। इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई होने दें 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद इसे टर्न कर लें। अभी भी फ्लेम को हाई पे ही रखिए टर्न करने के बाद फिर से 1 मिनट के लिए, ताकि दूसरे साइड भी ये ऐसे ही फ्राई हो। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करने के बाद फ्लेम को लो पे रख दें। अब लो फ्लेम पे हम इसे पकाते जाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये बटर आप थोड़ा सा स्वेट करते जाएंगे। चिकन हमारा अच्छे से कंप्लीटली गलने तक हम इसे ऐसे ही टर्न करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। जिस साइड भी आपको एक अच्छा लगे उस साइड आप पकाते जाइए इस तरह से टर्न करते हुए। चलिए चिकन तो हमारा अच्छे से पक चुका है, अंदर से भी ये गल चुका है। जब आपको लगे कि कम्प्लीटली गल चुका है फ्लेम बंद कर दें। अब इसका जो आखिरी स्टेप है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट एक बाउल में जलता हुआ कोयला रख दें और इसमें थोड़ा सा घी डाल दें। जैसे ही स्मोक निकलेगी इसे क्लोज कर दें, ये होल भी क्लोज कर दें। इसे ऐसे ही रख दें 10 से 15 मिनट तक या स्मोक कंप्लीट होने तक। हम ये स्टेप इसलिए फॉलो करते हैं ताकि चिकन में तंदूर इफेक्ट आ जाए। अगर आपके पास कोयला ना हो तो स्टोव के ऊपर भी रख के चिकन को आप भून सकते हैं। मजेदार तंदूरी चिकन हमारा तैयार है। आ रहा है ना मुंह में पानी देख के तंदूरी चिकन फ्राई। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी भी बनता है ये। कमेंट में जरूर शेयर करें आज की तंदूरी चिकन फ्राई की रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी वीडियोस देखते रहिए, ऐसे ही लाजवाब रेसिपीज लेके आती रहूंगी।